झारखंड के जिला चाईबासा में एक जगह है झिरलुवा, वहां पे बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पे नक्सलियों ने हमला किया। ये हमला तब हुआ जब वो एक खेल समारोह में भाग लेने गए हुए थे, और इस हमले में जो जानकारी अभी तक प्राप्त है उसमें इनके जो गुरुचरण जी हैं उनके दो बॉडीगार्ड की मौत हो चुकी है, एक घायल है। गुरुचरण जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये किसी तरीके से उस हमले से बच करके निकल पाए। और इस पूरे वाक्य पे जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ, हमले के दौरान, हमले के बाद जो कुछ भी हुआ, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुचरण जी खुद जुड़े हैं जूम के माध्यम से। गुरुचरण जी स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। अभी आपकी तबीयत कैसी है गुरुचरण जी सिंह जी, जब आप पे कल हमला हुआ उसके बाद आप स्वस्थ हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं अभी? जी हम बिल्कुल अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन भर हमारे नेता लोग जो है झारखंड के सभी लोग आए, एक बारी बारी से दिन भर हुई रहा, और लोग के सब 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 लोगों ने अच्छा, चलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके साथ हुई जिसमें आपके दो बॉडीगार्ड की मौत हो गई, एक बुरी तरीके से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, क्या हुआ था उस घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे देखने वालों को बताइए। 4 तारीख थी। और प्रत्येक साल झिलरुआ में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है, और जब से +2 स्कूल का स्थापना हुआ था उसी दिन से हमको वहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाता ही है, और इसी निमित्त इस साल भी हम वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। उसमें बैनर पोस्टर सब बनाया था, गांव वाले विकास ग्राम विकास समिति झिलरुआ, तो उसी में हमको पहले से 3 दिन पहले फिर व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण, और उनका निमंत्रण हम स्वीकार किया। और उनको बोले थे भी हम 4 बजे तभी आएंगे, और जल्दी खत्म कर देना है खेलकूद, इलाका ठीक नहीं था आजकल, बात भी हुई। अब मैं करेक्ट 4 बजे ही पहुंच गया हूँ। 1 घंटा वहां फाइनल खेल सब था, उसको बैठ के देखा। 5 बजे राइट खत्म खत्म हो गया, सब पारितोषिक वितरण शुरू हुआ 5 बजे के बाद। करीब करीब आधा घंटा पारितोषिक वितरण में लग गया। जैसे ही पारितोषिक वितरण खत्म हो गई, अब जाने के लिए घर वापस जाने के लिए खा कर दी कि अभी चले चले जाएंगे, हम लोग शाम भी हो रही है इसलिए हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा बोला। गाड़ी लगा भी दिया, फिर गार्ड लोग भी तैयार हो गए, चलना है चलिए करते। गाड़ी लगी, इसके बाद जैसे ही हम गाड़ी में चढ़ने के लिए मैं तैयार हुए, स्टेज से उतरे, तब तक कुछ मेरा टीन एज टाइप का लड़का, बहुत ज्यादा उम्र का नहीं, 14 से 20 के अंदर का ही लड़का, लोग नाटा नाटा पतला नाटा ऐसे करके जीन्स पैंट के साथ गंजी पहना हुआ, और उन लोगों भीड़ तरफ से आया, जिधर से मेला लगा हुआ, तो मेला तरफ से उन लोग अपने आप में झगड़ते हुए ड्रामा करते हुए आया, झगड़ रहा जैसा, और स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। तब तक जो है मेरा जो बॉडीगार्ड थे उन लोग उसमें उन लोग को रोकने का कोशिश, तो लोग भी समझ नहीं पाया कि लोग जो है दिया हुआ है, और मेला खत्म हुआ तो लोग लड़ झगड़ करके आ रहा इधर स्टेज तरफ, बोल करके अपना सामान कुछ लोग उतना गंभीरता से नहीं लिया, हाथ में ही ढकलना शुरू किया। तब तो ढकलते ढकलते और 4-5 आदमी, एक बॉडीगार्ड का जो अच्छा था हम देखे जो ढकल रहा था, तो 4-5 एक बेग आ गया, मारो मारो करके आवाज करते हुए आया, और उसको ढकल के गिरा पेडल के नीचे, नल के नीचे गया। तो तब तक मैं भी पटका पटकी लड़ाई शुरू कर दिया। तब जैसे हम और आगे बढ़े स्कॉर्पियो की ओर, तो जो अभी जो जिंदा है जो ब्रिगेड उसके वो AK-47 पकड़ा हुआ, उसको उधर से एक बेग आ गया, मैंने एक ही समय में ही वो लोग भी उसे ड्रामा करता है, वो लोग को उसको सामने से टक्कर लगा, तो उन लोग के साथ लड़ गया, वो लड़ गया, तो फिर पीछे से आ गया 3-4 लड़का, और उसको सीधा चाकू लेकर के पीट
पीछे से वार करते हैं, पीछे से वार किया, वो गिर गया। गिरने के बाद हम भी देख रहे हैं, हम गाड़ी में चढ़ने वाले थे तो गिर गया, तो हम लोग सोचे कि मताल कुछ लड़का लोग है उसके साथ लोग के साथ झगड़ा करना का ऐसे करके हम भी उधर जा रहे थे मुड़ के देखे। तो तब तक हम जब उधर जाना शुरू किए तो कुछ गांव वाले भी आ गए समिति के, तो विरोध करना शुरू करके कहे लूटपाट कहे कर रहे हैं आप लोग, कहे मार रहे हैं इसको ये करके, उसके साथ उसका सामान कहे लूटना है। तब तक बोले तब तक छीन करके ले गया और हवाई फायरिंग, वही उसी का सामान से फायरिंग कर दिया, बकझक हुआ इसको, तब तक मार गिरा दिया था। तब तक जो है गांव वाले भी आ गए कुछ, तो तीन लड़का उसे यूं टाइप का, और लोग उनके साथ विरोध करना शुरू करते। तब तक बोले चाकू निकाल लिया और घुमाते हुए बोला हम लोग बाव वाले हैं, आप लोग हट जाइए गांव वाले, नहीं तो आप लोगों को भी जो आगे बढ़ेगा उन लोग को ही मार। तब तक सब जो आगे आया था बचाने के लिए लोग पीछे हट गए, लोगों के साथ बकझक होते होते तब वो जो गार्ड अभी बचा है बचा हुआ उसका तो तब तक छीन लिया सामान, भीड़ में दौड़ करके जान बचाते हुए भीड़ में घुस करके कैसे कैसे करके घर जो है घर तक पहुंच गया। तो इसके बाद हम भी देखे कि स्थिति में दोनों दो दोनों गार्ड को तो लोग मार ही रहा है, और तो हम कैसे जो माओवादी है तो हमको भी हम सब बचने। आपने आपने देखा आपके सामने में आपके दो गार्ड्स को उन लोगों ने चाकू से मारा, आपने देखा ये? पटक पटका पटक दिया था और छीना छप कर रहा था सामान। अच्छा उनका जो AK-47 था वो छीन रहे थे? हाँ उसे छीन रहे। अच्छा फिर तो छीन रहे थे छीन रहे थे मार भी रहा था ना पीछे से। अच्छा तो कहे मारो कहे देंगे करके उसको ये बोल रहा था। तब तक मैं हम लोग माओवादी हैं तब तक कुछ बचाने के लिए गांव वाला आ गया था। तो गांव वाला बोला कि आप लोग कहे इसको मार रहे हैं क्यों इसको छीन रहे हैं। तो तब तक बोला कि लोग जो हम लोग माओवादी हैं तुम लोग भी भाग जाओ नहीं तो तुम लोग को ही मार। तब तक मैं उतना जो उतने समय में तब AK-47 छीना गया था उसको पीछे तरफ से मार भी पड़ा था। तो कैसे करके वो बच करके चला गया तो अपने बताएगा अभी हॉस्पिटल में। इसके बाद हम मुड़ के देखे तो हमको बचने का कोई चांस नहीं था। धीरे से हम भी भीड़ में घुस गए, घुस करके हम बगल में जो स्कूल था हाई स्कूल प्रोजेक्ट हाई स्कूल उसी में बगान फूल का बगान बगीचा उसमें हम चले गए और कोना में छिप करके। तो जब इतना घटना हो गई तो अभी ये लोग हमको खोजेगा, ये लोग को मार दिया तो हमको भी अभी खोजेगा। तब हम जाम करके वहां से चले। तो आप जैसे वहां भीड़ में से होते हुए स्कूल जाम करके चले जी, और एक खेतों के रोड में हम खेतों करके निकल गए वहां से 1.5 किलोमीटर का घर। नहीं तो मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे वहां वहां गांव में जो हम लोग सारना स्थल जो बोलते हैं गांव के बाहर में उसी जगह हम पहुंचे और वहीं पर चुपचाप रह गए। उसके बाद हम घर परिवार में फोन किए कि हम कुछ नहीं हुए हैं जिंदा हैं और यहां पर आए हुए हैं। सारना जगह है हमारे गांव के कुछ दूरी में 1500 फीट के दूरी में पूजा होता है तो वहीं पर हम हैं, आप लोग आइए। तो घर से लोग के मेरा तो लोग के साथ घर पहुंच देखे मेरा जो बॉडी गार्ड जिसको छीना छपकी कर रहा था वो बचकर काम से पहले ही तोड़ चलाया। अच्छा घायल अवस्था में था तो घर में जाकर खिलौना धोना कर रहा है वो कहाँ गया करके। तो हम बोले हम भी पहुंच गए बगल में आया तो उसको जैसे देखे घायल अवस्था में बहुत अवस्था खराब था तो हम लेट नहीं करते हुए गाड़ी में लोड किया और बहुत कुछ किए बिना आगे थाना सनवा थाना में उसको लेके आया। दोनों आकर के अपना बात बताया आप बीती कैसे हुआ क्या नहीं करके और दोनों बॉडीगार्ड वहां तो गला रख दिया तो पड़ा हुआ ये पता सब। नहीं मैं वही समझना चाहता हूँ कि ये गला रेतने वाली बात कैसे पता चली, मतलब ये बॉडी देखने के बाद पता चला या आपने देखा था आपके सामने हुआ ये? नहीं वहाँ और जो
मेला था ना, तो देखने वाला कुछ लोग बताया कि कुछ चाकू, और जो जिंदा अच्छा प्रतिजन जो था मेरा गार्ड, अभी तो हॉस्पिटल में है, वो थाना में बंद किया कैसे हुआ, तो न चाकू पकड़ा हुआ था, छोटा छोटा सामान था, बड़ा सामान उनके पास नहीं था, समझ नहीं पाए कि लोग का लोग है, पीछा करके लोग घर बढ़ रहा है, तब हम रोकने का प्रयास किया, तब तक मैं एक बैग लोग 15-20 का संख्या में आकर के अटैक कर आज आज बाबूलाल मरांडी आपसे मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने आपसे, आपके पार्टी के और लोग आपसे मिलने आए थे आज? आप जो जैसे आप बता रहे हैं, अब बीती उसी को हम बताया कैसे घटना कैसे हुआ, इस तरह का सारी बात हम बता दिए उनको, तो और भी बात बताया कि जहाँ जिस क्षेत्र में कल हुआ घटना, उसके ठीक 7 किलोमीटर की दूरी में पिछले 28 तारीख 28 दिसंबर को वहाँ वही माओवादी लोग बन का रोड बन जंगल में बंद कर दी, मुंशी का काम हुआ। इसके पहले मैंने एक सप्ताह पहले वहां से 7 किलोमीटर और दूरी में एक मैंने प्रेम सुरेन करके एक लड़का था, उसको भी घर से उठा करके पुलिस मुखबरी कर बोल करके उसको मार दिया। ऐसा करके रेगुलर एक मैंने महीना के अंदर 3-3 घटना, अच्छा 1 महीना के अंदर उसी जगह में उसी आसपास के इलाके में 3 घटनाएं ऐसी हुई है, 12 किलोमीटर के अंदर में अच्छा। 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस में, हम्म, 1 महीना के अंदर बोले ना, एक घटना हुआ 20 तारीख, अच्छा गुरुचरण जी मैं देख रहा था आपसे बातचीत करने से पहले, तो मैंने देखा कि 2012 में भी आनंदपुर थाना क्षेत्र में आप पे अटैक हुआ था नक्सलियों का, उस समय भी क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था? उस समय भी इस तरह का हमको बुलाया, हम संगठन से जुड़े थे, हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उस समय आप विधायक थे, उस समय आप विधायक थे? जी, उस समय आप विधायक थे ना? जी हम विधायक थे, तो कार्यकर्ता लोग कुछ शिकायत किया कि विधायक जो है हमारे क्षेत्र में एक बार भी आया नहीं, 2009 में जीत करके एक बार भी हम लोग का क्षेत्र में आए, तो हम वही डरते हुए नक्सली क्षेत्र हम कैसे जाएंगे, डर रहे थे, और इसीलिए नहीं कि हम बात को बता भी दिए मीटिंग में कि ठीक है कर ऐसा ये है नहीं है, तो हम जाएंगे सिक्योरिटी थोड़ा टाइट करके SP को कह करके जाएंगे करके, हम 15 दिन पहले हम लोग को डेट दे दिया, तो 9 जनवरी को हुआ था वो घटना, 9 जनवरी 2012 क्या हुआ था उस समय, उस समय क्या हुआ था, किस तरीके से तो हम चले गए, तो उस समय भी सुनियोजित ढंग से हमको रविवार का दिन था मालूम है, तो गुरुवार ये लोग गुरुवार पहले गुरुवार पढ़ा, उसके बाद शुक्रवार शनिवार रविवार 9 तारीख पढ़ा, तो एक बार आया मेरा कार्यकर्ता ही है कि उस दिन आ रहे हैं क्या, आप तो बोले हैं कि 9 तारीख को आएंगे करके, तो आप आ रहे हैं क्या? हाँ उस दिन तो हम आना ही, हम तो जरूर आएंगे ही, बोल भी दिया। तो 4 दिन के बाद हम गए वहां पर, ये तो जो खटंग बड़ा एक जगह है आनंदपुर से, खटंग बड़ा से चढ़ाई था, वहां पर PCC सड़क हम लोग पुराना चलने के लिए गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता था, चढ़ाई पहाड़ी एरिया तो गाड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए वहां पर PCC सड़क बना, तो हम उसको शिलान्यास करने का भी बात रखे, तो वहां से गाड़ी किसी का चढ़ा नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ा, गाड़ी भी नहीं चढ़ा, मेरा स्कॉर्पियो था, ड्राइवर को चढ़ा दिया घाटी को भी चढ़ा करके, घाटी चढ़ने के बाद फिर उधर मैदानी इलाका पड़ता है, पहाड़ी चारों तरफ, एक तरफ नदी है और तीनों तरफ पहाड़ी, और संकीर्ण रास्ता एक ही था, वहीं पर हम चले गए, तो हम पर मीटिंग कर रहे थे, तो इस स्कूल में मीटिंग किए और बारी बारी से सब आवेदन पत्र देना शुरू किया सर, तो हम देख भी रहे थे, तो उसी समय कुछ मैंने पहाड़ी में फायरिंग, एक बैग फायरिंग किया, तो तब उस समय तो मेरे साथ 40 की संख्या में पुलिस पर, हम बोले थे कि हम खाना उना नहीं करके, तो खाना नहीं खाना है, हम पानी पीएंगे और प्रोग्राम बोले हैं, तो एक बार खाली आकर के तुरंत निकल, तब तक मैं
मैंने ऊपर में फायरिंग होना शुरू किया, तो बॉडीगार्ड थे और से पुलिस के फायरिंग शुरू हो गया साइड साइड में। विधायक जी को बोले मीटिंग वीटिंग नहीं करे, हम लोग निकल, जहाँ चढ़ाई है उस पर मीटिंग कर। तो वहीं पर थे उस समय, देखे कि आते समय गड्ढा में पत्थर तोड़ मैंने मजदूरी का रूप में। तो बाद में पता चला कि तो लौट के आ रहा है, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहा है, वहाँ ये लोग था कहाँ गया वो, हम लौट करके नारियल फोड़ेंगे। आखिर नारियल भी फोड़े तो उस गड्ढा में जहाँ पहले देखे थे जाते समय कुछ मजदूर लोग थे, तो लोग को बोल कहे थे हम लौट रहे हैं, लौटते समय यहाँ पर आपका रोड का हम शिलान्यास करते। तो जैसे लौटे तो वो लोग था ही, वो लोग था नहीं कोई, और उसी जगह में हम आकर के तुरंत नारियल जो एक ठो फोड़ दिए, और ज्यादा देर नहीं करेंगे करके हम फोड़े और तुरंत निकले। जैसे नारियल फोड़े वो कड़कड़ा करके आवाज जो है मिस फरी, तब तो उस समय तो 40 फोर्स था, इधर भीतर हो हमारे साथ 8-9 4-5 तो था हमारा हाउस गार्ड 3 बॉडी गार्ड। तो लोग हमको बोला कि सर लोग फिरा गए, हम चारों तरफ एम्बुस लगा दिया, कैसे करेंगे हम लोग, तो हम बचने का उपाय नहीं दिखता क्या करें। तो कुछ साहस दिखाया लोकल लोग, जैसे फायरिंग शुरू किया तो लोग दौड़ाते हुए अंधाधुन फायरिंग कर, अंधाधुन फायरिंग भी किया, बोलता है कि दो जन को वहां पर इधर का गोली से कुछ फोर्स जो है अपना गाड़ी गाड़ी उड़ी छोड़ करके जंगल में भाग गया, जंगल में भाग गया, हाँ जंगल जंगल में घुस गया डर से। अपना मोटरसाइकिल से गया था, मोटरसाइकिल छोड़ करके कहाँ कहाँ चला गया पता। तो उस समय हमारे साथ जो अपने अंगरक्षक थे 3 और हाउस गार्ड 5 थे, 8 जन थे, वो लोग कवर कर दिया, कवर कर दिया, उन लोग के साथ मुकाबला भी किया। मुकाबला करते हुए हम लोग जहाँ ट्रेनिंग चल रहा था, तो उधर हम उल्टा तरफ इधर एम्बुश किया, तो उधर जा करके हम उल्टा जंगल तरफ मेरा दिखा हुआ एरिया। आप बता रहे हैं कि जब आप गए थे तो आपके साथ 40 जवान थे, और जब ये हमला हुआ तो कितने जवान बचे आपको कवर करने के लिए? कवर करने के लिए उस समय मैंने 9 जवान। अच्छा 9 बचे मात्र, बाकी सब चले गए। मैंने इधर उधर से लोग जंगल में घुस गए ना, जंगल तरफ अपना जान बचाने। अच्छा एक बात बताओ, मोटरसाइकिल छोड़ के भाग के हम मेरा ऑपोजिट साइड से एक दूसरा जिला पड़ता है सिमडेगा, हम उधर चले, उधर से फिर मेन रास्ता में निकल करके फिर आनंदपुर कैंप आ गए। कैंप में आकर के वहां बैठे, 200 राउंड गोली चला, उसका हिसाब किताब 200 राउंड गोली चली थी। अच्छा एक बात बताइए, एक जी फिर बड़ा बाबू जा करके रात को पूरा सीआरपीएफ किया, तब जाके अपना मोटरसाइकिल। अच्छा गुरुचरण जी एक बात बताइए, ये बात हो सकता है कि आपके जहन में भी आई होगी, और मैं आपके मन के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि हो सकता है कि कल आपके अटैक हुआ है और इस समय मेरा ये पूछना आपको अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन एक सवाल है, कभी आपने सोचा है कि आप पे 2 बार अटैक क्यों हुआ, क्यों बार बार आपको नक्सली निशाना बना रहे हैं, क्यों आप उनके निशाने पे हैं, कभी सोचा है आपने? कुछ कुछ चलता है दिमाग में, क्यों हो रहा है बार बार ऐसा? ठीक है, तो ये बात तो मैंने पता बाद में चल ही जाता है क्यों करता है। पिछले बार जो हुआ था उसमें नक्सली क्यों को जो है कोई पॉलिटिकल लोग ही उसको करवाया। अच्छा किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? खेल गया था बाद में पकड़ाया। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ? तो उसको पूछा जेल में, मेरे ही केस से गया था, पकड़ाया बाद में कुछ दिन के बाद पकड़ाया, तो जेल गया था। तो उसने लड़का लोग पूछा कहा है उसको पूरा
अनिष्ट तो नहीं करता है, किसी के साथ तो ऐसा व्यवहार जो उसका है नहीं, किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, क्यों उसको मैंने आपको अटैक किया था? तो ये आपने बताया था कि ऊपर का आदेश था, ऊपर का आदेश और ने बताया। तो आपको जब इतना पता चला तो ये भी पता चला होगा कि किसका आदेश था, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, वो लोग बताया कि हम लोग तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी के मैंने अगेंस्ट पार्टी बोला, बताया नहीं आपके अगेंस्ट पार्टी का जो है वही लोग का वहां पर हाथ था, वही लोग करवाया था, वही बताया, नाम उन्होंने बताया। अच्छा, मतलब उन्होंने इतना बताया कि आपके जो खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने करवाया था, लेकिन नाम नहीं बताया। लेकिन इस बार क्यों हुआ? अभी आप गए थे खेल समारोह का उद्घाटन करने या वहां पर पुरस्कार बांटने के लिए, मेला जैसा था, फिर क्यों अचानक से अटैक हुआ? कुछ कुछ वजह है किसी तरीके से? हाँ, तो वजह है इसमें कि क्या अभी तो बोलना मुश्किल हो रहा, किसको हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद से पता चल ही जाएगा किसका हाथ था, क्यों ये लोग मारना चाह रहा है। हम बार बार बताए नक्सलियों से भी, उस बार भी हम ये अपना अनुरोध किया था कि हम क्या दोष है जो हम या हमको अटैक लोग करते हैं, हमने आप लोग को जो काम में हम विरोध करते हैं या कभी विरोध ना आपके विषय में हम कुछ कहते हैं, सही बात नहीं हुआ और उससे कोई मतलब है नहीं। अपना काम वो लोग कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना जो भी है जनता का सेवा करते हैं, निकलते हैं, कई गरीब कहीं मकान नहीं बना है कि पेंशन नहीं मिलता है, बड़ा हम पूंजीपति भी नहीं, पैसा वाले भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर क्यों इस तरह का किया जाता है? अपने ये कोई जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। अच्छा, एक एक दो सवाल मेरा आखिरी में आपसे है। एक तो एक सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जिस इलाके से आप विधायक रहे या जहां पे आपकी पॉलिटिक्स है, जहां आप राजनीति करते हैं, वो एक नक्सल प्रभावित इलाका है। एक नक्सल प्रभावित इलाके में विधायक होना, लीडर होना, राजनीति में सक्रिय होना कितना मुश्किल है? आने जाने में, लोगों से मिलने जुलने में, क्योंकि नेताओं का तो काम ही है लोगों से मिलना जुलना, आप उनके बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए ये? कितना कर पाते हैं आप? जैसे आप बता रहे थे कि कार्यक्रम में आपको बुलाया गया लेकिन आप जाना नहीं चाह रहे थे, तो कैसे मैनेज करते हैं विधायक जी आप? ये नहीं सोचे कि ऊपर वाला है, चलिए हम अपना काम करते रहें, गरीबों का सेवा करते रहे, इसे मन में सोचते रहे, और इसीलिए भी हम सबको विश्वास करते हुए चले जाते हैं, बड़ा कमी है उसी के चलते हमको लोग फायदा उठा रहा है, कुछ अपने कुछ सोचा है या क्या? हमसे लोग का भय रहता है, डर रहता है कि क्या करेगा करके, मतलब कुछ तो लोग का होगा ही, लोग का सोच मन में होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। एक तो आप पे अटैक हुआ, नक्सली अटैक हुआ, जिसमें आपके दो बॉडीगार्ड की मौत हो गई, एक घायल है, लेकिन अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये आपके हिसाब से हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो पिछले चुनाव में बीजेपी सरकार के हार की वजह क्या रही, नंबर एक, आपके हिसाब से जमीन पे क्या वजह थी? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि देश में जो नक्सली सक्रिय हैं, नक्सलवाद जो है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? वो क्या है, एक आंदोलन है, एक भटकाव है, या कुछ गलत लोग जो है वो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, पहले तो नक्सली जो थे अपना विचारधारा से चलते थे, और किसी को अगर मारना हो या किसी को थ्रेटिंग देना हो तो उसको पहले चिट्ठी से या ऐसे फोन से धमकी देते थे कि इसमें आप सुधर जाओ, ये आपका गलत, अगर नहीं सुधरोगे तो तुमको जन अदालत करके हम लोग आपका सजा देंगे, इस तरह का कुछ बोलता था लिखता था। लेकिन इस बार का जो नक्सली लोग कुछ बोलते भी नहीं, एक एक बेग अपना जो होता है कर लेते हैं।
मैंने अपना विचारधारा से अलग है जो पहले का विचारधारा आप पिछले बार जो हमारी सरकार थी बीजेपी की सरकार थी झारखंड क्योंकि आपस में हमारा जो नेताओं का तालमेल की कमी कहीं 100 कहीं 500 में इस तरह का जो सीट था 19 सीट इस तरह का तो हम लोग लगभग हम लोग 28 सीट लिख चुका था सरकार और इसमें 19 सीट में हम लोग का गठबंधन मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले ही, लेकिन ये पत्रकार का लालच है, सवाल खत्म नहीं होते हैं। मैंने कहा था कि ये आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल मेरा और है चलते चलते, लेकिन ये आखिरी है। आपके हिसाब से देश की सरकार को, राज्यों की सरकार को नक्सलियों के साथ कैसे निपटना चाहिए? सख्ती से निपटना चाहिए या फिर जो ऐसे आप कह रहे थे कि टीन एजर्स थे, नए लड़के थे जो आपके अटैक में भी आए थे, उनके साथ सरकारों का रवैया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इस समस्या को कैसे हल किया जाना चाहिए, सरकारों को कैसे हल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि नक्सलवाद इससे खत्म नहीं होगा, बंदूक से तो खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार का जो है सोच बदलना पड़े। इसके बाद नक्सल बनना एक कारण जो है अशिक्षा, जगह जगह पर हमारे जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र उसमें शिक्षा की कमी, पढ़े लिखे नहीं, जब जन्म होते हैं तो उसमें एक महुआ वाला शराब मिलता है और जो राइस बियर करते हैं इधर हंडिया बोलते, उसमें ज्यादा लोग मैंने आदिवासी लोग उसी का ही सेवन करते, कैसे करके कुछ आदमी भले पढ़े लिखे हो जाते हैं, पढ़ने के बाद देते हैं तो मजदूरी करने लगते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोग को समझ नहीं आता है कि समाज में कैसे रहना है, क्या अच्छा है बुरा है, नहीं समझ पाते। नक्सल जो नक्सली आकर के इसी क्षेत्र को यहाँ जहाँ गरीब, आपने बेरोजगारी का भी जिक्र किया तो आपके हिसाब से क्या नए आदिवासी लड़के जो युवक हैं, आदिवासी युवक, वो बेरोजगारी की वजह से भी नक्सली बन रहे हैं क्या? जी, बेरोजगारी, अशिक्षा भी है और बेरोजगारी। रोजगार अगर लोग को मिल जाए सही से तो उन लोग मुख्य धारा में जरूर आ जाए, जरूर लालच दे करके। गुरुचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया चाई भाषा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो अटैक आप पे हुआ उसके बारे में विस्तार से और नक्सलवाद से जुड़े दूसरे बाकी मुद्दों पे बहुत ही बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, प्रणाम।